नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित गौड़ आपका केमिस्ट्री टीचर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ खास चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए कि एग्ज़ाम की तैयारी हमें कैसे करनी है, किस ढंग से हमें अपना प्रिपरेशन करना है और सही रणनीति कैसे बनानी है। ये एक प्रमोशनल वीडियो है जिसमें मैं आपको परीक्षा में क्रैक करने के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप एसीएफ रेंजर की तैयारी कर रहे हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो रोजाना अध्ययन के साथ साथ आप प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। यह आपके सिलेक्शन में रामबाण साबित होगा। इसके लिए अर्जुना क्लासेस द्वारा निकाली गई एसीएफ रेंजर की बुक, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया है, उसकी सहायता ले। आपको ये निश्चित ही इस एसीएफ और रेंजर की प्रतियोगी परीक्षा में सहायता दिलाएगी। अब हम बात करते हैं कि अभ्यास प्रश्न क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करें, वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हमें इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे प्रश्न की प्रकृति समझना बहुत आसान हो जाता है, यह जानकारी मिलती है कि किस खंड से प्रश्न आ रहे हैं। दो बातें मैंने उल्लेख किया, एक तो प्रश्नों की प्रकृति समझना आसान हो जाता है, क्या पूछना चाह रहा है, चार बहुविकल्पियों में से सटीक आंसर कौन सा होगा, उसको हम किस ढंग से सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए। दूसरा, आपको ये अनुमान हो जाता है कि किस खंड से, किस भाग से चैप्टर के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, जो मिले हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। बहुत सी चीज़ों का समावेश इसमें आ जाएगा। प्रकृति आप समझ जाएंगे, अब ये आप निर्णय ले सकने में सक्षम हो जाएंगे अभ्यास करते करते प्रश्नों का, कि न्यूमेरिकल को कितनी जल्दी सॉल्व करें, कितनी आसानी से सॉल्व करें। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, सैद्धांतिक प्रश्न है, उसका सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कठिन से कठिन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जितना ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप सटीकता से हल कर सकते हैं, इससे आपका समय प्रबंधन का ज्ञान हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रश्न आ रहे होते हैं, एक निश्चित संख्या में प्रश्नों को आपको निश्चित समय में हल करना है, वही होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम किसी प्रश्न को हल करने में ज़्यादा समय देते हैं, तो हमें बाकी प्रश्न हमारे छूट सकते हैं और हम दौड़ से बाहर हो सकते हैं। तो जो बात हमने कहा टाइम मैनेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स आप देंगे, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। इवन कि अगर वो चार गोलों में ब्लैक करना है स्पॉट, ठीक है, तो उसमें भी प्रैक्टिस मांगता है। आप पहली बार करके देखिए और प्रैक्टिस करने के बाद उसको ब्लैक करिए, देखिए आपका समय बचता है। एक एक पल आपके इस एग्ज़ाम के लिए, इसमें सफलता के लिए मार्गदर्शन आपका करेगा। एक एक पल जो समय बचेगा, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि सही गलत उत्तर का ज्ञान हो जाएगा। बहुत से प्रश्न तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसे देखते ही आप टिक कर लेंगे, तो वो समय आपका बच गया। उसको जब हम अंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं, अंकिक प्रश्नों को हल करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो समय आप उस प्रश्नों में लगा सकते हैं। इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको, समय की बचत। फिर
भौतिक रसायन में आप जहाँ पे न्यूमेरिकल की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी वहाँ आपका समय का बचत हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो अनुभवी टीचरों का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको क्लासरूम में बताया जा रहा है, बहुत सारे उद्धरणों को लेके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेके, बहुत सारे उदाहरण आपको बताए जाते हैं, हर प्रकार से आपको दिमाग में बैठाया जाता है ताकि प्रश्न पेपर में आई कोई भी चीज़ एकदम से नई ना लगे आपको। जब आप प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं, ACF रेंजर की बुक जो है अर्जुना क्लासेस की, उसको सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन हम जो सॉल्व करा रहे हैं वो भी करते हैं, पुराने प्रश्न पत्रों को आप सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है उसको आप अगर उसके प्रश्नों का हल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। और यकीन मानिए कि यही आत्मविश्वास, यही कॉन्फिडेंस लेवल आपको सफल बनाता है। साथ ही मैं कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आप अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ दुविधा हो सकता है, डाउट कुछ आ जाए आपको, डाउट मिले, या किसी प्रश्न को सॉल्व करते समय गलत उत्तर मिले, तो इस टीम में जितने भी अर्जुना क्लासेस की टीम में जितने भी विशेषज्ञ और सब्जेक्ट के टीचर हैं आप उनकी मदद लीजिए, उनकी मदद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, उसका उत्तर जानिए कि किस ढंग से हमने कहाँ गलती की है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। टीचर आपको समझाएंगे, अगर प्रश्न बहुत लंबा है या किसी चीज़ों को याद करने में समस्या आ रही है तो हो सकता है आप टीचर से चर्चा करें, विशेषज्ञों से चर्चा करें, तो उसको याद करने का तरीका भी आपको बता दें ताकि वो दिमाग में पूर्णता आपके बैठा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था जो पुराने लेक्चर्स में शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक मैंने बताई थी, वो आपको चीज़ों को याद करने से दूर ले जाता है, आपका समय बच गया। जब आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं, किसी चीज़ को रटते हैं, किसी चीज़ को याद करते हैं, तब आपने पाया होगा कि अगर कुछ समय तक हम उसकी पुनरावृत्ति ना करें, उसका रिवीजन ना करें, तो वो चीज़ें हमारे लिए फिर से साफ हो जाती हैं, फिर से हमें पुनः प्रयास करना पड़ता है। तो सोचिए जो ट्रिक और टेक्निक्स अनुभवी विशेषज्ञ और टीचरों द्वारा जो दी जा रही है आपको, उससे वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं, आपको हमेशा याद रहती हैं, रिवीजन करने में काफ़ी कम समय लगता है, आपका समय प्रबंधन सटीक हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट सटीक हो जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि 10^8 HCl का pH ज्ञात कीजिए, इसमें आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं तो गलत आता था आंसर, तो उसमें कुछ हमने कॉन्सेप्ट जोड़ा, उदाहरणों को बताया, तब आपको समझ में आया कि हाँ भाई इसमें H+ की सांद्रता पानी के भी जुड़ रही है क्योंकि वो 10^7 से कम दिया हुआ था, 10^8 HCl का pH मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न जो रहते हैं जो बिल्कुल सटीक तरीके से आपके दिमाग में अगर एक बार समझ में आ जाते हैं तो इसका उत्तर आपको याद हो जाता है। ऐसे एक्सेप्शनल कुछ केसेस हैं जिनको क्लास में ही आपको रटवा दिया जा रहा है, आपने केयर किया होगा, आपने देखा होगा सभी सब्जेक्ट्स में, सभी विषय में, अगर ये एक्सेप्शनल चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई तो एग्ज़ाम में वो नयापन नहीं मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि जो पुराने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं वो अपवाद वाले ज़्यादा आए हुए होते हैं क्योंकि नॉर्मल चीज़ें सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। और यहाँ पर ACF और रेंजर की आपने देखा कि एग्ज़ाम में नीट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल एंट्रेंस में जो लेवल आता है वही लगभग लेवल मिल रहा है, सिलेबस छोटा है उससे, लेकिन जो उसकी डेप्थ है, जो उसकी गहराई है, वो आपको वही मिल रही है नीट के एग्ज़ाम की। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको सब्जेक्ट छोड़े हुए कुछ समय बीत गया है, आप दूसरे विषयों की तैयारियों में लग गए, दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए, लेकिन उसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है और उस समय में आप पूर्ण तैयारी कर सकते हैं, ये हमें विश्वास है, हम पूरी तैयारी करवा सकते हैं, ये हमें विश्वास है। टीचर आपको पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा से हर चीज़ें पढ़ा रहे हैं, थ्योरी का ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, क्वेश्चन के साथ का ट्रिक टेक्निक बता रहे हैं, सटीकता बता रहे हैं। इन सब के बाद भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप बिल्कुल हम लोगों से चर्चा कर सकते हैं।
अब टीचर की मदद लेना जरूरी है। साथ ही एक और खबर आपके लिए कि जल्द से जल्द अर्जुना क्लास की जो दूसरे एक दूसरी बुक आने वाली है, जिसमें भी आपको विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार क्वेश्चंस मिलेंगे, आए हुए प्रश्नों का समावेश होगा, जहां से संभावना बनती है उस प्रश्नों का समावेश होगा। तो आपको जरूरी है कि बार 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 इन चीजों की प्रैक्टिस करें। और सबसे बड़ी चीज, आत्मविश्वास, आत्मबल कम ना होने दें। और निश्चित ही ये जो टीम है हमारी, ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है, आपका समय बचाने के लिए है, कठिन से कठिन चीज़ों को, न्यूमेरिकल्स को, और अगर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उन्हें हम आपके दिमाग में छापने की कोशिश करते हैं। बार बार देखिए, देखा होगा आपने लेक्चर में कि हम उसको रिवाइज करते रहते हैं, और इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ये सलाह है, हमें भी परिणाम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हमें भी चाहिए, आप सफल हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ मैं अमित गौड़ इस सलाह के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।